हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी पॉइंट पे एंड सीयूईटी पॉइंट पे दोनों पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो होने वाला है आदित्य एल1 के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर एग्जाम में इसी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखो, इसरो का जो भी मिशन है उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ना चाहिए, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि देश के गौरव की बात है, बहुत प्राउडफुल फील होता है। चंद्रयान के बाद अब आदित्य एल1। एक्चुअली आदित्य का मतलब ही होता है सूर्य, सूर्य का एक नाम है आदित्य, ठीक है। अगर जो गांव या हिंदी समाज के लोग होंगे वो जानते होंगे। इसमें क्या है, कैसे है, इसरो का ये 2 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, तो हर वो डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे। कहीं भी आपसे कुछ ना समझ आए तो जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये जो है सैटेलाइट जाता है और वो सैटेलाइट घूमता है, लेकिन उसको ले जाने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप्स के मशीन होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो, बहुत सारे मशीन होते हैं, ठीक है। ये पूरा एक रॉकेट होता है। अब इस रॉकेट में देखो, ये अलग अलग छोटे छोटे रॉकेट हैं जो प्रोपल्सन सिस्टम के तहत, फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, तो ये धकेल के ऊपर ले जाते हैं एक ट्रैजेक्टरी पे। मतलब एक सिंपल सा ऐसे पैराबोलिक शेप का ट्रैजेक्टरी होता है जिस पे वो धकेलते हुए ले जाता है आगे की तरफ। यही सारे पेलोड्स, ये खत्म होते जाते हैं, ईंधन इनके फ्यूल खत्म होगा, टूटते जाएगा, निकलता जाएगा। सब डिटेल में मैं दिखाऊंगा फोटो में, आपको टेंशन नहीं लेना है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आदित्य एल1 मिशन है, इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आपको देख लेना है। टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना है। ये 59वां फ्लाइट है PSLV का, लेकिन नाम 57 है। क्यों? क्योंकि दो फ्लाइट जो है वो अनसक्सेसफुल हो गए थे, तो दो घट जाते हैं। सक्सेसफुल का मतलब है PSLV C-57, लेकिन ये 59वां फ्लाइट है। तो दो चीजें यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा 59 नंबर का है लेकिन 57 इसका नाम है। इसके जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं PSLV को। एंड 25वां मिशन है PSLV कैटेगरी का। ये कॉन्फ़िगरेशन, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका काम क्या होगा, थोड़ा बहुत जो आपको पूछा जाएगा वो समझना है। इसके मिशन स्पेसिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखेंगे तो ये सारी चीजें दी गई हैं, आपके काम की नहीं है। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो ये सारे डेटा रख सकते हो। अपोजी एंड परिजी, ये क्या होता है? देखो, अपहीलियन एंड परिहीलियन, ये दो वर्ड यूज हुआ होगा, आपने सुना होगा। अप का मतलब होता है दूर, ठीक है। तो ये 19,500 किलोमीटर होगा। और परिजी, अपहीलियन बताया था मैंने सूर्य के केस में होता है, पेरिहिलियन नजदीक, जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है तो पेरिहिलियन कहते हैं, वो मिनिमम डिस्टेंस होता है। अप मतलब दूर, याद रखिएगा AP। ये सारी चीजें दी गई हैं। PSLV का जो स्टेज है वो सब आप यहाँ देख सकते हो। छोड़ो ये सब चीजें, यहाँ पे आपके काम की चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो पेलोड है इसको समझिएगा, आदित्य एल1 मिशन का एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये एल1 पे ही, लैग्रेंज 1 इसको कहते हैं, क्यों इसी पे रखा जा रहा है। ये अलग अलग लैग्रेंज टोटल कितने होते हैं, तो लैग्रेंज 5 होते हैं। देखो, एक 5 है, 3 है, ये 4 है, L1 है, L2 है। अब ये ऐसा एक पॉइंट होता है, क्यों ये साइंटिस्ट ने इसी जगह को ही सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये जगह जो है आपके अध्ययन यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए बेस्ड होता है। इसको समझो आप, अलग अलग प्लेस है, लेकिन ये L1 जो है ये सबसे क्लोजेस्ट आपको दिख रहा होगा। ये है आपका बीच में, मिडिल में सन, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। 5 लैग्रेंज पॉइंट्स है, ये भी याद रखिएगा, सन अर्थ सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, ठीक है। आदित्य L1 कहा जाएगा, L1 उसका नाम ही है। PSLV का जो फ्लाइट सीक्वेंस होगा उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, कब कैसे। जो ट्रेजेक्ट्री मैंने बताया था शुरू में, जब उड़ता है रॉकेट, रॉकेट निकलता है पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के, तो क्या क्या होता है। सबसे पहले इग्निशन होता है, आग जलता है, ठीक है। आग जलने के बाद ये सेपरेशन होगा, पहले ये सब रॉकेट्स निकल जाएंगे, फिर अगला दो रॉकेट निकल जाएगा, फिर ये छोटा होता जाएगा, ये छोटा होता होता फिर से ऊपर के दो टुकड़े निकल जाएंगे, लास्ट में सिर्फ ये सैटेलाइट ही बच जाता है। सब बीच से टूटता जाता है, टीवी में आपने देखा होगा या मोबाइल पे आपने देखा होगा, हम भी आपको दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये पेलोड को कहाँ, पेलोड क्या होता है, जो काम की चीजें होती हैं, जिनको घूमना होता है, वहां रिसर्च करना होता है, उनको पेलोड में रखते हैं, ठीक है। उसमें उसको फिट किया हुआ रहता है, अपर्चर होते हैं अलग अलग, ऐसे ओपन होंगे और फिट होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अंदर जो येलो कलर का है यही, इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, सबसे प्रोटेक्टेड जोन में होता है, ये याद रखिए। PSLV का और भी जो फ्लाइट प्रोफाइल है ये आपके काम की नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पेलोड में मशीन क्या क्या, एक्चुअली वो काम क्या क्या करेगा वहां जा करके।
तो अगर मशीन को देखोगे, पापा एक यहाँ पे है, पापा का फुल फॉर्म क्या है बताएंगे हम आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अलग अलग पेलोड में सिंपल समझो अलग अलग मशीन है जिनका उपयोग है। खासकर इसमें सबसे ज्यादा जो जिस टाइप की मशीन है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम में क्या होता है, 7 कलर जो दिखाई देते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर का अलग अलग रेंज के जो रेज होंगे ना, अलग अलग रेंज के अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, हाई बीम रेज, ये सबको वो अध्ययन करेगा। इसीलिए तरह तरीके के सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। अब हार्ड है सो हार्ड एक्सरे जो कैच करेगा उसका अध्ययन करेगा, उसकी क्या पार्टिकल है, उसकी क्या रिसर्च करेगा, उसको बताएगा क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या यूजेज उसका है। आपको मालूम है आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि एक ऐसा एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोलर सिस्टम का मतलब सन का जो कोर पार्ट है वो ठंडा है, कोरोना ज्यादा गर्म है। सोलर जो फ्लेयर्स निकलते हैं, जो मतलब सोलर आप बादल कह सकते हो, वो जो आउट होते हैं कोरोना से आउट होते हैं, सबसे आउटर पार्ट से। सब कुछ हम समझेंगे यहाँ। 7 साइंटिफिक पेलोड गए हैं, कितने गए हैं, 7 साइंटिफिक पेलोड्स इसके साथ जा रहे हैं, सबका नाम यहाँ पे दिया गया। पापा का फुल फॉर्म क्या होगा, सोलर विंड या पार्टिकल एनालाइजर इन सीटू मेजरमेंट, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हर चीज का यहाँ डिटेल दिया है, देखो क्या क्या है, सबके फोटोज भी दिए गए, शायद आपको ये फोटो कहीं देखने को ना मिले, लेकिन हर चीज यहाँ पे एडजस्टेड मोड में है, देखो आप, ठीक है। और वही चीज को यहाँ डिटेल में बताया गया, विजिबल इमेशन लाइन विजिबल इमेशन लाइन जहां भी होगा, विजिबल जो दिखेगा, क्रोनोग्राफ उसके लिए जा रहा है ये यहाँ पे। आदित्य सोलर पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का मीटर जो है वो जा रहा है यहाँ पे है। अगला अगर आप देखोगे तो वीडियो लाइक करते हुए जरूर देखना, मजा आने वाला है। और इसके MCQ या और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको अपडेट करते रहेंगे लगातार। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की अगर बात करें तो ये लो एनर्जी को कंज्यूम करेगा और उस पर अध्ययन करेगा, ये भी देखो। फिर प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यहाँ पे है, ये प्लाज्मा को एनालाइज करेगा। आपने अगर स्टेज पढ़े होंगे तो सॉलिड लिक्विड अब प्लाज्मा भी है ना, फिफ्थ स्टेज में आपको ये सारी चीजें फोर्थ फिफ्थ स्टेज पढ़ा होगा आपने। तो पापा का फुल फॉर्म क्या होगा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेट फॉर आदित्य पापा, ठीक है। हाई एनर्जी अलोन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलियोस जिसका है हेलियो, ये यहाँ पे है। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ये भी यहाँ पे है, ये टेलीस्कोप है। अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग या अल्ट्रा वायलेट रे को कैच करके अध्ययन करेगा, मैग्नेटोमीटर है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज आपने पढ़ा था, तो ये 7 पेलोड हो गए सबके बारे में। मैग्नेटोमीटर मैग्नेटिक पावर को मेजर करेगा, उनको अध्ययन करेगा, रिसर्च करेगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास भेजेगा। अब देखो सूर्य एक ऐसा चीज है जिस पे लैंड नहीं कर सकते हैं, उस पे जा नहीं सकते हैं, ठीक है। बचपन में कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रामायण महाभारत काल में बहुत लोग सूरज के पास जाने की कोशिश किए थे, हनुमान जी तो उन्हें निगल ही लिया था, तो वो हनुमान जी थे इस वजह से वो निगल लिए थे, और किसी की क्षमता नहीं है। वहाँ गए लोग जल के भस्म हो गए बीच में ही, है ना। सबकी क्यूरियोसिटी होती है कि वहाँ पहुँचे और उसको देखें समझें, लेकिन अभी इसरो ये कर पा रहा है, वही पॉइंट पे जाएगा जहाँ से अध्ययन कर पाएगा। बात कर लेते हैं आगे, आप ये सब फोटोज देख सकते हो जिसमें ये एक्चुअली जब लॉन्च किया जाता है तो कैसे कैसे मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, आप इसको समझो, है ना। ये बहुत जानने वाली चीज़ है, आप जो पेलोड देख रहे हो ये सब यहाँ पे है और इसको पैक किया जाता है, ये दोनों आप कह सकते हो कवर है, खोल है, जैसा भी है उसको चिपका के कर दिया जाता है। फाइनल जो आपको दिखता है वो ऐसे दिखता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, ये राउंड शेप में सिलेंडर शेप में बनाया जाता है, सब में फ्यूल भरा जाता है, भरने के बाद एक एक चीज को जोड़ा जाता है, तब ये फाइनली ऐसे दिखता है आपको, है ना। तो इसरो को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसी चीजें वो बना रहे हैं जो आपके और ह्यूमैनिटी दोनों के काम के हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो आपको पढ़ने चाहिए और जो आपके काम के हैं, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो आदित्य L1 के बारे में, अंतरिक्ष यान को निम्नलिखित का अध्ययन करना है, सौर हवाएं, सोलर विंड्स, फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर, कोरोना ऑफ द सन, कोरोना बाहरी हिस्सा को कहते हैं, सूर्य के ऊर्जावान कण को यानी एनर्जिक पार्टिकल ऑफ द सन। अब जो भी मशीन मैंने दिखाए आपको सब में एक्सरे एनर्जी पार्टिकल है, सबका सब एक एनर्जी पार्टिकल ही है, तो उसको आपको पढ़ना है, सूर्य की प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर। अब इसके बारे में अगर आप हीटिंग का अध्ययन करेगा ये जाकर के आदित्य L1, हीट कैसे होता है, कोर क्यों कम हीट होता है, बाहर क्यों ज्यादा हीट होता है, हीट बाहर से क्यों निकलता है जबकि कोर को होना चाहिए, क्योंकि सूर्य का कोरोना का तापमान 10 लाख केल्विन है,
कोरोना का, लेकिन इसके कोर का तापमान केवल हजारों केल्विन है, कोर अंदर वाला पार्ट ठीक है उसका सिर्फ 1000 केल्विन है, लेकिन कोरोना का तापमान 10 लाख केल्विन है। इसे कोरोनल हीटिंग समस्या का समाधान खोजने में मदद होगा। क्यों कोरोना ही हीट करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आज तक कोई जा नहीं पाया तो समझ नहीं पाया। तो सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं ठीक है। कोरोना में आयनीकृत प्लाज्मा होता है, ये आयन अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, ये कोरोना को चुंबकीय बनाता है। ये सब चीज़ें हैं, चूंकि आयन होता है तो वो मैग्नेटिज्म को फैलाएगा, और जाहिर सी बात है मैग्नेटिक रीडिंग के लिए वहाँ पे मशीन भेजे गए हैं, चुंबकीय बनाता है। सूर्य के कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन को कोरोनल मैग्नेटोमेट्री कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।